वोकल न्यूज शेड्यूल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। ठंड का सीजन शुरू होते ही मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम में बदलाव के बीच जरा सी चूक होते ही लोग सर्दी जुकाम के साथ बुखार की चपेट में आ रहे हैं, फिर चाहे वो बच्चे हो या फिर वृद्ध, सभी वर्ग इस शुरुआती कोल्ड अटैक के लपेट में है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, हालत काफी ज्यादा खराब नजर आने लगी है। जहां एक तरफ कोरोना का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर मौसम के बदलते ही लोगों की मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। यदि हम बात करें इन हालातों की तो 2000 से अधिक लोग जिला अस्पताल पहुंचे हैं, वो भी केवल 6 दिनों में, और इनमें से कई हैं जिनकी हालत काफी चिंताजनक है। तो मन, कारण तो साफ है कि मौसम के बदलाव के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन आखिर कौन सी बीमारियां हैं जिसकी अधिक मात्रा में लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं अस्पताल में? जी बिल्कुल, देखिए ये ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो बॉडी जो है वो इस बदलाव को एकदम से स्वीकार नहीं करती है और यही कारण है कि लोग बीमार पड़ते हैं। तो सामान्य तौर पर ये जो बीमारियां हैं वो वही सर्दी खांसी बुखार से जुड़ी हुई हैं, मौसमी बीमारियां जिनको हम कहते हैं। और ठंड के शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 2195 मरीज़ अस्पताल पहुंचे हैं शहडोल जिला चिकित्सालय में, और इनमें से अनेक ऐसे हैं जो गंभीर रूप से ग्रसित थे इन बीमारियों से। कई में निमोनिया के लक्षण भी देखे गए हैं, बुखार भी है, सिर दर्द है और जोड़ों में दर्द है। इस तरह की बहुत सारे जो हैं केसेस हैं जो इस ठंड के कारण ही बेसिकली हम कह सकते हैं ये देखने में मिल रहे हैं। पहले पिछले रविवार की ही बात करें तो लगभग 370 मरीज ओपीडी में उन्होंने अपना मरीज इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, दर्ज कराई है वो रिपोर्ट। और इस तरह से पूरे हफ्ते में किसी दिन 350-400 के बीच में ये मरीज़ जो हैं अस्पताल पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो हैं लोग भर्ती भी हो रहे हैं। जैसे पहले दिन लगभग पिछले रविवार को 33 लोग यहाँ पर भर्ती हुए और जो कि गंभीर थे, इन गंभीर बीमारियाँ थीं लेकिन मौसमी बीमारियाँ ही थीं और इनका भर्ती करा के इलाज कराया गया। तो मौसमी बदलाव निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बीमारियों को लाते हैं और कोरोना काल में तो ये संकट और भी बढ़ जाता है क्योंकि कोरोना का अभी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है और ये तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। तो इन सब को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन में कुछ इजाफा करने की, कुछ सुधार करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जी अमन बिल्कुल, लेकिन यदि हम बात करें इन बच्चों की जिनकी आयु 5 वर्ष से कम बताई जा रही है तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं खतरा डॉक्टर बताते नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ सुझाव या सिम्टम्स डॉक्टर द्वारा दिए गए हैं? क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे दर्शकों के लिए ऐसे बच्चों को समझना और उनका समय रहते इलाज करवाना। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों में क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए जो ये मौसमी बदलाव हैं वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो कहीं पर बुखार आ जाना, सर्दी होना, खांसी होना, और बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो जाते हैं बीमार रहते हुए, तो रोते हैं, रोने के कारण आँखों में जलन होती है, सिर में दर्द होता है, कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती हैं, डाइजेशन भी ख़राब होने लगता है। तो ये जो पूरे लक्षण हैं ये बीमारियों के और ख़ासतौर से निमोनिया इस मौसम में जो है वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। तो सबसे पहले तो उपाय हम कर लें, अगर प्रिकॉशन ले लें तो मेडिसिन या अस्पताल आने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर बचाव की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि इन बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके गर्म एनवायरनमेंट में रखा जाए, उन्हें अच्छे से ऊनी कपड़े या जो गर्म कपड़े हैं वो पहना के रखे जाएं, हीटर का जो प्रयोग किया जाए और उनकी बॉडी को गर्म रखा जाए, साथ ही साथ जो पानी हम उन्हें दे रहे हैं वो गुनगुना हो, गर्म हो, उससे ठंडा पानी ना दें हम उन्हें, और बासी खाना जो भी है वो ना खिलाएँ। तो ये कुछ उपाय हैं जो न केवल बच्चों के लिए सभी पर लागू होते हैं क्योंकि ठंड की ये जो मौसमी बीमारियां हैं वो किसी को भी लग सकती हैं। हाँ, लेकिन बच्चों में संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको सभी लोग अपना सकते हैं और ठंड की ये जो मौसमी बीमारियाँ हैं उनसे बच सकते हैं।
बिल्कुल, धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए। अब ऐसे मौसम में हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि खासकर वृद्ध और छोटे बच्चों का घरों में विशेष ध्यान दें, गर्म कपड़े व खान पान में कोताही बिल्कुल भी ना बरतें। धन्यवाद आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।